वेलकम अगेन बच्चों, वेलकम टू एडेक प्लेटफॉर्म्स। देखो आज के क्लास में क्या होने वाला है बच्चों, तो जो भी यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा खत्म हो चुका है बच्चों, तो इसका नीट में नीट के PYQ क्वेश्चन कवर किए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के क्लास में कवर किया है। तो आज के क्लास में आपको क्या करना है बच्चों, जो वीडियो कंटिन्यू स्लाइड होगा तो सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन आए तो वीडियो को आपको पॉज करना है, देन यू हैव टू सोल्व, खुद से सोल्व करना है, और देन आपको चेक करिए आपको आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। बराबर वीडियो तो ऐसे चलता रहेगा, तो सारे क्वेश्चन कवर किए है उसको वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करिए, फिर वेरीफाई करिए आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। बराबर तो बहुत एकदम धुआं धुआं कर देंगे बच्चों मस्त तरीके से, इसको आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा कंसेप्ट, पूरे चैप्टर का सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं। बराबर तो यस बच्चों, माई सेल्फ राजन कोटेडिया बच्चों पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि हर बच्चे का गली गली में इसको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर अच्छे तरीके से करवाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा लोग, देखिए क्या कहता है। देखो यहाँ पे बहुत मस्त तरीके से बच्चों करने वाले हैं, मजा आएगा शानदार तरीके से। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर, कौन से ईयर में, 1989 में। सर यहाँ तो सर का भी बोर्न नहीं हुआ होगा, उतने साल में पूछा गया सवाल था बच्चों। तो देखिए, अरे चलो कहाँ गया ये वाला, अच्छा ओके चलो 90, इसमें क्या होगा x बराबर at प्लस bt स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, उसको क्या करना है हमको, क्या फाइंड करना है, यूनिट b का फाइंड करना है, b का यूनिट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएगी। देखो at और bt स्क्वायर को ऐड करें और आंसर x आ रहा है, तो मतलब x का, at का और bt स्क्वायर का सबके डायमेंशन एंड यूनिट क्या हो गए, सेम हो गए। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, पर ये किलोमीटर में है, तो x का डायमेंशन अगर मैं बोलू सर, x का यूनिट, यूनिट ऑफ x और किसका होगा भाई, यूनिट ऑफ bt स्क्वायर का, ये दोनों का यूनिट सेम ही होगा, क्योंकि तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो x में क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, बी इसमें क्या आएगा, तो सेकंड स्क्वायर आएगा, सेकंड का स्क्वायर आएगा, तो बी का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर अपॉन क्या हो जाएगा सर, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में बोल रहा था। बराबर डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में, किलोमीटर में लिया, मीटर में होता है मीटर में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन सेम होते तभी हम एड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, तो सर यहाँ पे सी फॉर चेन्नई है, ठीक है, तो सी नंबर का आंसर रहेगा बच्चों। बराबर मजा आ रहा है सबको, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े सर, 2022 का सवाल है। अब यहाँ पे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल कौन सी क्वांटिटी, तो सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बच्चों यूनिट होते बट डायमेंशन होते नहीं है, सप्लीमेंट्री इसका। प्लेन एंगल की बात करूं तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा, प्लेन एंगल का यूनिट होगा बच्चों क्या होगा भाई, ये रेडियन होगा, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा, तो स्टेरेडियन एंगल होगा, ये स्टेरेडियन एंगल होगा, शॉर्ट में लिख दे स्टेरेडियन। तो अब देखो इसका यूनिट होगा पर डायमेंशन क्या हो गए दोनों के, m0 l0 t0, तो कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो आप सब बच्चे, स्मार्ट बच्चे हमारे, यूनिट तो हो गए बट डायमेंशन नहीं हो गए बच्चा लोग, तो कौन सा होगा, सी फॉर चेन्नई, ये वाला आंसर रहेगा। बराबर ये वाला चेन्नई, चेन्नई ये वाइट से वाइट, दिल से दिल, यहाँ सी होगा हमारा। बराबर चलो सेक नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहते हैं, देखो यहाँ वेट है पर ये मास है, ये आपका क्या होगा, मास दिया है, ये वाला क्या दिया है, मास, मास, मास 22.4 ग्राम है, तो यहाँ लिख दे तो मा एम बराबर बच्चों 22.42 ग्राम, वॉल्यूम दिए 4.7 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पॉसिबल एरर इन मेजर, अब ये मास में कितनी एरर आ रही, तो डेल्टा एम बराबर बच्चों दिया है कि 0.01 दिया है ग्राम दिया है, और वॉल्यूम में कितनी एरर आ रही, तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आ रही। तो आपको क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है, मैक्सिमम रेट डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है कि बच्चा बच्चा जानता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ सर। तो वॉल्यूम इसका बोलो अभी, इसका डेल्टा रो अपॉन रो लिख देगा इज इक्वल टू क्या लिख देगा बच्चों, डेल्टा एम अपॉन एम लिख देगा, प्लस
डेल्टा अपन वी लिख देंगे, परसेंटेज में फाइंड करना है तो ये फ्रैक्शनल एरर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो इसको मैं परसेंटेज एरर इन रो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 100 से मल्टी एक बाद के स्टेप में लिख दे, इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो ले डेल्टा एम कितना दिया है, तो डेल्टा एम सर 0.01 दिया है, इसको कितने एम से 22.42 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डेल्टा वी में कितना दिया है, तो 0.1 दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम में कितना बच्चों दिया है, 4.7 दिया है। अब इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर तो आना ही है। अब देखिए इसका क्या होगा, चेक कर लेते हैं फोन से। देखो 0.01 डिवाइड बाय बच्चों 22.42, तो 0.000444 आप चेक कर सकते हो खुद से, 0.000446 ये हो गया 0.000446 उसमें क्या ऐड करेंगे, तो 0.1 को 4.7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.01 0.02127 बराबर। इसको ऐड करो फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे 0.000446 तो क्या आंसर आया, 0.021 आंसर आ रहा है, 0.02172 ठीक है। तो क्या ये वाला, तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू बच्चों आया 0.02172 बराबर 72। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा आंसर आएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला यहाँ स्टेप कर देते, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर इक्वल टू किया 2.17 अप्रोक्स, यहाँ पे कितने परसेंटेज होगा, तो यहाँ पे कौन सा नजदीक का आंसर दिया है हमको, ये दिया है, तो क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, ये वाला बॉम्बे आंसर रहेगा बच्चों, ये वाला बॉम्बे आपका आंसर रहेगा बराबर। कौन सा होगा, ये वाला बॉम्बे रहेगा बराबर, ये वाला आंसर रहेगा तुम लोग का बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कौन सा है, परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन मास ये आपको दिया है, मास में परसेंटेज एरर कितनी दिया है सर, तो ये बच्चा लोग दिया है 2%, वेलोसिटी में कितनी परसेंटेज, स्पीड में मान लो स्पीड को 3% है, तो आपको क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एमवी स्क्वायर बराबर। अच्छा सर देखो किसमें फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी मेजरिंग इस पार्ट विल बी ओके। काइनेटिक एनर्जी की आपको क्या फाइंड करना है, एरर इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड, तो इसमें एरर में काइनेटिक एनर्जी की एरर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1/2 को आगे कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो तो क्या आएगा, मास में बच्चों परसेंटेज एरर एम प्लस 2 times परसेंटेज एरर इन वी आएगा। तो देखिए मास में परसेंटेज एरर कितनी आ रही बच्चा लोग, तो 2% आ रही, तो 2% लिख देंगे, प्लस वॉल्यूम वेलोसिटी में कितनी परसेंटेज, तो सॉरी वेलोसिटी एक स्पीड है, तो 3 ये हो गया, तो 2 प्लस क्या आएगा 6, तो 6 प्लस 2 क्या आएगा 8%, तो आंसर क्या होगा 8%, कौन सा ऑप्शन है, तो सर ए फॉर अहमदाबाद, ये हमारा आंसर सही है बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मजा आना चाहिए, शानदार तरीके से मजा आना चाहिए, एकदम जोरदार तरीके से करते जाना है तुम लोग को, पूरी ताकत के साथ, जोश जुनून खत्म नहीं होना चाहिए हमारा। यस सर, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मास में परसेंटेज 3% दिया है, उसके बाद सर लेंथ में परसेंटेज एरर कितनी दिया है, तो कितनू दिया है सर, यहाँ पे दिया 2% दिया है, तो फाइंड क्या करना है तुम लोग को, डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है एल क्यूब कर देंगे, एल क्यूब, तो मास परसेंटेज इन रो इज इक्वल टू परसेंटेज इन मास प्लस 3 times आगे ले लेंगे परसेंटेज एल वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे परसेंटेज इन रो इक्वल टू मास में कितनी परसेंटेज, तो 3% है सर, प्लस 3 आगे आ गया, तो एल की परसेंटेज कितनी है, तो एल की परसेंटेज 2% है, 3% प्लस 6%, तो क्या आएगा 9% हो जाएगा, किसकी, परसेंटेज इन डेंसिटी
9% कौन सा हमारा, तो डी फॉर दिल्ली, ये वाला आंसर सही है। बराबर समझ में आ रही भाई, ये डायरेक्ट ये मास, ठीक है। तो ये रो, तो अभी हमने डिवीजन का एरर में लॉ पढ़ा ना, उसका यूज किया हमने। फिर क्या देखो, तो रेडियस में एरर दिया है, रेडियस में स्पीयर का, स्पीयर का फॉर्मूला यू है, स्पीयर का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, वॉल्यूम फाइंड के अंदर डेल्टा वी, इसको ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है, 3 आगे आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन आर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का 3 टाइम बच्चों परसेंटेज एरर इन आर, समझ में आई बात। वॉल्यूम में इसमें ये आ गया, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3, हमने बाहर निकाल, इसकी कॉन्स्टेंट है, उसकी जरूरत नहीं होती, तो वॉल्यूम की परसेंटेज एरर 3 बच्चों आगे आ जाएगा, तो रेडियस में आ गया। रेडियस की परसेंटेज एरर कितनी दिया है, तो 2% दिया है, तो 2%, तो 2 3 जाके आएगा 6%, तो क्या आंसर आया, 6%, तो डी फॉर दिल्ली, ये हमारा आंसर आया। बराबर, अच्छा सर पी बराबर देखो, तो अभी क्या दिया है, 4 क्वांटिटी है, पी का फॉर्मूला आपको ये दिया है, क्या दिया है, a² b² a³ b² अपॉन क्या होगा, सी डी ए दिया है। तो आपको पूछा है परसेंटेज एरर, पी में परसेंटेज एरर बताइए, पी में परसेंटेज एरर बताओ, तो क्या करोगे, देखो यहां पे पी में परसेंटेज एरर बतानी है, तो आपको, और ये चार एक ही परसेंटेज बी की सबके दिया है, तो आपको कैसे करेंगे, तो परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू बच्चा लोग क्या आएगा, 3 आगे आएगा ए परसेंटेज एरर प्लस प्लस 2 आगे आ जाएगा बी में परसेंटेज एरर प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी, ठीक है यहां तक। अच्छा सर अब एक ही परसेंटेज एरर कितनी दिया है, देखो तो ए में कितना दिया है, ए में बच्चों दिया है 1%, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। बराबर बी में कितना दिया है सर, तो 2%, 2 लिख दिया। सी में कितना दिया है, तो 3%, तो 3 लिख दिया। और डी में कितना दिया है, देखो तो 4%, तो 4 लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करिए, 3 × 3 = 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4 × 4 = 7 = 14%, तो आंसर क्या है, 14%। 14 कहाँ है देखो तो, ये फॉर अहमदाबाद, ये वाला हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात तुम लोगों, चलो फिर एक्स का सेम वे बच्चों फॉर्मूला दिया है, सेम मेथड से करना है। देखो क्या करना है, एक्स बराबर प्यारे बच्चों ए स्क्वेयर, बी का 1/2 है, और नीचे क्या दिया है, तो सी का 1/3 दिया है, और डी का क्यूब दिया है, ठीक है यहां तक। कैसे करेंगे, तो सिमिलरली जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया इसके जैसे करना है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स, सॉरी परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू 2 आगे ले लो, परसेंटेज एरर इन ए 1/2 आगे ले लेंगे, फिर से परसेंटेज एरर इन बी, फिर यहां 1/3 आगे ले लेंगे, परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3 आगे ले लेंगे, तो ए में परसेंटेज एरर कितनी दिया है, देखो तो ए की परसेंटेज एरर बच्चों दिया है 1%, तो यहां पुट कर देते 1%। बी की कितनी दिया है, तो बी की 2% दिया है, सी में कितने दिया है बच्चा लोग, तो 3 दिया है, और डी में कितना दिया है, देखो तो डी में कितना दिया है, तो 4% दिया है। सिंप्लीफाई कर देते हम लोग, ये 2 ए 2 टू कट हो गया, ये 2% प्लस यहां पे क्या, इसका 1% होगा, 2 टू कट हो गया, ये 3 3 कट हो गया, फिर से अगेन 1% प्लस 12%, तो 12 13 14 16, तो आंसर क्या आएगा, 16% आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली हमारा आंसर है, ठीक है। टाइम इंटरवल अब देखो यहां पे ये दिया है, परसेंटेज एरर बताना है, तो देखो टाइम जो हो रहा है उसमें कितने रीडिंग आ रहे हैं, 5 रीडिंग आ रहे हैं, तो पहले बार T1 ले, T1 पहली बार रीडिंग कितना दिया है,
तो 1.25 सेकंड दिया है। दूसरी बार रीडिंग क्या दिया है, तो दूसरी बार दिया है बच्चों 1.24 सेकंड दिया है। तीसरी बार रीडिंग क्या दिया है, तो तीसरी बार बच्चों दिया 1.21 सेकंड दिया है। चौथी बार में क्या दिया है, तो चौथी बार में बच्चों 1.21 सेकंड दिया है। और पांचवी बार में क्या दिया, 1.28 दिया है। तो टी मीन ट्रू वैल्यू, ये टी मीन बराबर, पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रू वैल्यू के लिए मीन वैल्यू निकालेंगे, टी बार कर देंगे, ठीक है। तो उसमें सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो क्या होगा 1.25 प्लस 1.24, 1.27, 1.21, 1.28 डिवाइड बाय क्या करेंगे 5 करेंगे, बराबर। तो ये सबको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, ठीक है। तो आंसर देखो यहां पे, इस तरफ 4 कम हो रहा है, 5, इसका आंसर बच्चों अप्रोक्स नहीं वही आएगा, आप चेक कर सकते हो, 1.25 सेकंड आएगा, 1.25 सेकंड मीन वैल्यू आएगी, 1.25 सेकंड आएगी, बराबर। फिर क्या करना है हमको, तो सबका फिर क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5, उसमें क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू में से T1 निकाल देंगे, तो यहाँ 1.25 में से ये तो क्या है 0.00 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ जिसमें से ये बच्चों निकालेंगे तो क्या होगा, 1.25 में से 1.24 तो क्या है 0.01 आएगा, इसकी इसमें से निकालेंगे तो माइनस में 0.02 आएगा, सर यहाँ पे ये निकालेंगे तो बच्चों क्या 0.04 आएगा, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो माइनस में 0.03 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा टी बार, उसमें क्या करना है हमको, सभी एब्सोल्यूट एरर था उसको मोड करके ऐड कर दो, मोड निकाल के ऐड करके उसकी एवरेज निकाल दो, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, सर डेल्टा T4 और डेल्टा T5, उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, बराबर 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, 1.37 और ये 0.10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.02, ये आएगा 0.02, ये हो गया, ओके 0.02। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर था उसको, अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो कोई भी परसेंटेज में निकालने के लिए क्या होगा, तो डेल्टा टी बार अपॉन क्या आएगा टी मीन, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके दिए क्या परसेंटेज में आएगा, बराबर। तो देखो 0.02 है, 0.02 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, नीचे कितने से करेगा, 1.25 से करेगा, तो अब ये को ये परसेंटेज में निकालना है, अब देखो ठीक है। तो 0.0 तो ये बच्चों आएगा 2 डिवाइड बाय 1.25, इसको ऊपर जाने दो तो 200 डिवाइड बाय बच्चों 125 हो जाएगा, ये परसेंटेज में आंसर है हमारा 25। तो ये सबको सिंप्लीफाई करके क्या है 1.6 आया, तो 1.6 तक परसेंट तो कौन सा आंसर होगा 1.6 होगा, ये वाला 1.6 परसेंटेज रहेगा, बराबर ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट वाले क्वेश्चन आए, देखो सिग्निफिकेंट्स में क्या पूछा है, तो 9.99 में से 9.99 में से बच्चों क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099, तो आंसर तो सिंपली नॉर्मल तरीके से सिंपली हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चों, तो नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा 9.99 में से, तो 9.99 में से बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0099, तो आंसर बच्चा आएगा 9.9801, तो ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है बच्चों। तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद अपने को क्या लिखना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखना है, तो पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, तो ये 2 वाले, तो ये यहां तक आंसर छोड़ दो 9.98, तो ये वाला आंसर रहेगा, चेक कर सकते हो कौन सा आंसर है हमारा, तो यहाँ पे ये वाला A4 अहमदाबाद ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों।
बात समझ में आनी चाहिए बच्चों, मजे आने चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद क्या दिया, रेक्टेंगुलर फील्ड्स उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, तो आपको फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है। पर एरिया तो कर लोगे लेंथ एंड ब्रेथ से मल्टीप्लाई, पर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान रखना है। तो लेंथ बराबर क्या आएगा, 55.3 हो जाएगा। ब्रेथ क्या दिया है, तो ब्रेथ बच्चों दिया है, क्या दिया है, 25 मीटर दिया है। तो एरिया फाइंड कैसे करोगे, एरिया बराबर क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो पहले दोनों मल्टीप्लाई कर देगा, 55.3 इंटू 25, तो देखो नॉर्मल तरीके से तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट का हमको ध्यान रखना है बच्चों, 55.3 इंटू करेंगे 25, क्या आंसर आएगा, तो 138.2.5 बराबर। अब ये तो यहां देखो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी 2 है, यहां पे भी 3 है, तो हमारा आंसर 2 में लिखना है बराबर। तो देखो यहां से ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो लास्ट वाले ये डिजिट देखने 8 है, 5 से बड़ी, तो यहां ऐड कर दो 14 आंसर आएगा। पर हमको तो 14 पर ओरिजिनल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, तो 114, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 14 इंटू 10^2 लिख दूंगा, ये आंसर आएगा। क्योंकि ये वाला पार्ट तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये 14 आया, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर, क्योंकि क्वेश्चन 2 में है, तो आंसर भी 2 में होना चाहिए बराबर। पर ओरिजिनल नंबर हमारा सेम रहे, इसलिए मैंने 100 से यहाँ 10^2 लिखा बराबर। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, बी फॉर बॉम्बे रहेगा आपका बराबर। अब आपको पूछा है एंगुलर, नेक्स्ट देखो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एंगुलर मोमेंटम का बच्चों फॉर्मूला होता है MVR। एंगुलर मोमेंटम कोई भी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए उसके फॉर्मूला आने चाहिए। तो मास, वेलोसिटी एंड रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका फॉर्मूला आएगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, एम बनेगा, वेलोसिटी का L1 एंड टी माइनस 1 होगा, इसका क्या होगा, L1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 L1, इसको M1, L2, टी माइनस 1, यहाँ से कौन सा ऑप्शन है चेक करो, तो M1, L2, टी माइनस 1, C4, D4 दिल्ली बराबर। 1988 का सवाल है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, उसके बाद देखो M1 है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आपको कौन से फॉर्म में दिया है, वहां पे m का a पावर है, l का b पावर है, टाइम का c पावर दिया है, आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब बताना है। देखो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का अगर मैं a की बात करूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मा होगा तो L/T होगा, तो m0 l1 t माइनस 1 होगा, तो यहाँ a 0 आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं हमारा, ये वाला तो नहीं है बराबर। तो चलो ये जाने दो, सर b का चेक करते हैं। एक्सेलरेशन का क्या आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम बच्चों, वेलोसिटी में क्या L1 टी माइनस 2, तो मास में 0 आएगा, ये भी नहीं है, इसको भी जाने दो। चलो उसके बाद कौन सा, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, MA M1 L1 टी माइनस 2, तो ये भी नहीं है सर, इसको भी जाने दो। तो फिर कौन सा होगा, यही होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का M1 L1 T माइनस 2, नीचे एरिया का L2 आएगा, तो इसका क्या होगा, M1 L माइनस 1 T माइनस 2। अब देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा सही है सर, मजा आ रहा है सर, वाह वाह सर, आगे बढ़ो सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, P को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर से, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है बराबर। तो देखिए ओके, C रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट, एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेडियस एंड एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो आपको क्या बताना है, पी रेस टू एक्स, एस रेस टू एस, सी रेस टू डायमेंशन लेस है, तो आपको एक्स वाई जेड की फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो उसका फोर्स का M1 L1 T माइनस 2, नीचे एरिया का क्या होगा, L2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये किसका आ गया, प्रेशर का आ गया बराबर। और ये सी लाइट का, तो लाइट की बात करें तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L1 टी माइनस 1 हो जाएगा। और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो एनर्जी को एरिया और सेकंड से दोनों से आपको डिवाइड करना है। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का
एम वन एल टू टी माइनस टू, उसको कितने से डिवाइड करोगे, एरिया से और एज वेल एज टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ये तो एक कट हो जाएगा, एल टू तो कट हो गया, एम वन टी माइनस थ्री हो गया, ये किसका एस का आ गया। तो क्या फाइंड करना है, और ये पी रेस टू एक्स सी रेस टू सॉरी एस रेस टू वाई, ये डायमेंशन लेस है, मतलब पी रेस टू एक्स और एस रेस टू वाई और सी रेस टू जेड डायमेंशन लेस, मतलब सबका एम जीरो एल जीरो टी जीरो रहेगा डायमेंशन। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुट क्या देते बच्चों, पी का क्या है, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू का कितना पावर होगा, एक्स हो जाएगा। एस की बात करें तो क्या है, एम वन एल माइनस थ्री, एम वन एल माइनस थ्री का कितना वाई पावर हो जाएगा। सी की बात करें तो एल वन टी माइनस वन का जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये टी टी जीरो। ओके ठीक है, तो मास को देखो, मास का क्या होगा, मास मास देख लेते, मास का यहाँ पे एम एक्स हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे तो प्लस वाई हो जाएगा, मास और है नहीं तब यहाँ पे। एल की बात करें बच्चों तो क्या है, एल का क्या है, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस जेड आ गया, और टाइम की बात करें तो क्या है, माइनस टू एक्स बस और माइनस जेड इक्वल टू क्या है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो आएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन मिला, क्या मिला, पहले तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो आया, ठीक है सर, मतलब क्या होगा, एक्स बराबर माइनस वाई होगा, एक इसको राउंड कर दिया, और एक क्या रिलेशन मिला, माइनस टू एक्स जेड इक्वल टू बराबर जा रहे, माइनस टू एक्स जेड इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, जीरो आया, एम वन एल वन टी माइनस प्रेशर का। ओके, यहां हमने लोचे मारे है, लोचे तो कुछ मारे क्या, यहाँ यहाँ टाइम आएगा, ये क्या आएगा, टाइम आ जाएगा, ये वाला टाइम टी रेस्ट माइनस थ्री है बराबर, तो मैम तो बराबर है, टाइम में क्या आएगा, माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड, एल की बात करें तो एल में, एल की बात करें ये दोनों चेंज हो जाएगा, क्या होगा देखो, एल की बात करें तो एल का क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस जेड इक्वल टू, और टाइम की बात करें तो माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई बराबर तो जीरो आ गया, तो ठीक है एक्स प्लस वाई बराबर बच्चों जीरो आ गया, और क्या आएगा, माइनस एक्स, तो एक्स बराबर जेड आ रहा है, ये दो रिलेशन का यूज करते हैं, इससे बेस आंसर आ जाएगा। देखो एक्स बराबर माइनस वाई, एक्स की और वाई की वैल्यू इक्वल है बट ऑपोजिट साइड, और एक्स और जेड इक्वल है, तो चेक करते हैं पहले से, तो यहाँ तो तीनों इक्वल, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, x और z इक्वल है तो यहां पे भी x और z इक्वल है, हालांकि ये दो ये ओपन ये भी नहीं है, पहले d चेक कर लेते, x और y देखो तो यहां पे x और y यहां पे इक्वल ये भी नहीं है, क्योंकि x और y इक्वल है, यहां पे x और y ठीक है और ये भी, तो ये आंसर क्या रहेगा, c फॉर चेन्नई रहेगा। कैसे पता चला, क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल है और साइन ऑपोजिट, क्योंकि वन एक तरफ माइनस वन है और z की वैल्यू क्या है, वन है, तो ठीक है हो गया ये वाला हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किसका, देखो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कोई पी है, उसका फॉर्मूला दिया है, पी बराबर पी नॉट दिया है आपको, एक्सपोनेंट बराबर क्या दिया है, पी बराबर पी नॉट एक्स नॉट एक्सपोनेंट, उसका मान लो ये माइनस अल्फा टी स्क्वायर दिया है बराबर, ये तो हमको क्या फाइंड करना है, देखो ये इसका डायमेंशन क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर का तो डायमेंशन जीरो डायमेंशन लो, क्योंकि किसी भी पावर होगा, पावर क्या होगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो हमको डायमेंशन किसका, अल्फा का फाइंड करना है, तो टी स्क्वायर बच्चों नीचे चलाएगा तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो टी रेस टू नहीं आ गया, तो ये ऊपर चला गया क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, तो आंसर क्या रहेगा, डायमेंशन टी रेस टू माइनस टू, बी फॉर बॉम्बे रहेगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर वर्क क्वेश्चन ऐसा ही सी दिया है आपको, क्या थे ए और बी का डायमेंशन ऑफ ए फाइंड करना है, ए कहाँ, इधर है देखो, एक पी प्रेशर है, तो प्रेशर प्लस एरिया अपन ये क्या, वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, बी थीटा अपन वॉल्यूम दिया है। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटी एड तभी होगी जब दोनों के डायमेंशन सेम हो गए, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू बच्चों का डायमेंशन ऑफ ए अपन क्या आएगा, वॉल्यूम का स्क्वायर आएगा, प्रेशर इक्वल टू बच्चों फोर्स अपन एरिया होगा, तो एम वन
एलेवन टी माइनस टू नीचे एरिया का एल टू होगा, ए का फाइंड करना है वॉल्यूम का एल सिक्स हो जाएगा, एल सिक्स उधर चला जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ए बराबर एल सिक्स उधर चला गया तो ऊपर जाएगा तो एम वन एल माइनस वन हो जाएगा, ये टी माइनस टू हो जाएगा, एल सिक्स मतलब इधर आ गया, एल सिक्स इधर आ गया। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो तो एम वन एल फाइव हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। अब चेक करो कौन सा आंसर है हमारा, चेक करो तो यहाँ पे एम वन एल फाइव टी माइनस टू सी फॉर चेन्नई, ये आंसर है बराबर। ओके ये भाई ये और ये फिजिकल क्वांटिटी ऐड तभी होगी जब दोनों के डायमेंशन सेम हो गए बराबर, डायमेंशन एनालिसिस में हम पढ़े हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम को वो हमारी फंडामेंटल मानी है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने कवर किया, इसको फंडामेंटल मानी है तो हमको किसका फाइंड करना है, सरफेस टेंशन का। तो देखो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला, सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो सबसे पहले एनर्जी का एक्स पावर है, वेलोसिटी का वाई पावर है, टाइम का जेड पावर है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है बराबर, यहाँ पे इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन होगा पर एनर्जी का पता होना चाहिए, एम क्या होगा एम वन एल टू टी माइनस टू का कितना पावर हो एक्स हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करें बच्चों तो लेंथ अपॉन टाइम, एल वन टी माइनस वन का वाई हो जाएगा, और टाइम की बात करें तो टाइम का जेड हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक सिंपल है, समझ मारी बात। ये फोर्स अपॉन एल सॉरी इसका क्या होगा एम वन एल एल तो कट हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एल वन टी माइनस टू नीचे एल का एल हो गया। अब ये को एड कर देते तो मास तो एक ही बार है तो मास का एम एक्स आ गया। एल की बात करें तो बच्चों कितनी बार एल का देखो तो यहाँ पे एल दो बार आ रहा है तो एल का कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एल रेस्ट वाई हो गया तो एल का कितना हो जाएगा टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, ये वाला क्या होगा प्लस वाई बनेगा हमारा बराबर। टाइम की बात करें तो टाइम का कितना है देखो तो टाइम का माइनस टू एक्स है, टाइम का क्या है माइनस टू एक्स है, और यहाँ पे क्या दिया है माइनस वाई दिया है, और क्या दिया है प्लस जेड दिया है। अब कंपेरिजन करना है, यहाँ पे एल वन ऊपर जाएगा तो एल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू एम एक्स, एल की बात करें तो टू एक्स प्लस वाई, टाइम की बात तो माइनस टू एक्स सॉरी माइनस वाई प्लस जेड। अब कंपेयर कर दो, कंपेरिजन कर दीजिए तो एक्स बराबर क्या आएगा देखो तो एक्स बराबर क्या आएगा वन आएगा। ठीक है तो एक्स बराबर क्या आएगा वन आ गया, एक्स बराबर मेरा क्या रहा वन आ रहा है। ओके और टू एक्स प्लस वाई बराबर क्या आया जीरो आया, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आया जीरो आया। एक्स की वन वैल्यू रख देता हूँ तो एक्स की वन वैल्यू रख देता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस टू बन जाएगी, वाई माइनस टू मिला एक्स वन मिला। अब दोनों एक्स और वाई मिल गया तो माइनस टू एक्स और लास्ट वाला रिलेशन है माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू बच्चों क्या दिया है इस तरफ माइनस टू है, एक्स और वाई वैल्यू आएगी पुट कर दे, एक्स की वैल्यू क्या माइनस सॉरी प्लस वन है माइनस टू का माइनस टू ये प्लस टू हो जाएगा प्लस जेड इक्वल टू माइनस टू ये कैंसिल हो गया, जेड बराबर क्या है माइनस टू आया माइनस टू आया तो पुट कर देते एक्स की वैल्यू वन आई वाई की माइनस टू आएगी जेड की माइनस वन आई तो एक्स का ये हमारा था यहाँ पे तो ई का कितना पार हो जाएगा वन का वन, वेलोसिटी का कितना है वाई की जगह क्या आएगा तो सर माइनस टू आएगा, टी की जगह पे जेड की जगह क्या आएगा तो माइनस टू आएगा, चेक करो कौन सा ऑप्शन है ये वाला माइनस टू है, ई वन वी माइनस टू टी माइनस टू ये चेन्नई बराबर, ये वाला आंसर रहेगा। डन ओके समझ में आई बात। अभी देखो ये नीट के पी वाई क्यू हमने कवर किया, जो आने वाली आपकी एग्जाम होगी उसमें सेम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे बराबर, तो ये अगर इतने कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है फिर खुद से प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। और अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या करेंगे हमको जेईई एग्जाम्स के पी वाई क्यू लेके आएंगे बराबर, नीट के तो हो गए अभी हम तो जेईई एग्जाम्स में नेक्स्ट लास्ट कितने इतने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए यूनिट एंड मेजरमेंट्स में सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है तब तक बच्चों पढ़ते रहिए लड़ते रहिए खुश रहिए।